वन स्टूडेंट्स, आज सेंटेंस जो पिछली बार हमने देखा था कि उसके दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। उसके अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आई हुई थी, ऑब्जेक्ट। आज हम उस पर विस्तृत रूप से डिस्कशन करेंगे, यह समझने का प्रयास करेंगे कि ऑब्जेक्ट को कैसे तलाशा जाए, कैसे यह प्रयोग किया जाता है, कहां किस तरह का प्रयोग गलत हो सकता है। इसके विषय में हम जानकारी बृहद स्तर से लेंगे। देखिए, क्रियाएं दो तरह की होती है, एक इंट्रांजिटिव और दूसरा ट्रांजिटिव। यह हो गया अकर्मक और यह हो गया सकर्मक, यानी किसी भी वाक्य के अंतर्गत क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक इंट्रांजिटिव और एक ट्रांजिटिव। अधिकांशतः हम अन्य प्रकार के वाक्यों की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें ये जा रहे हैं मुआवजे, हम केवल यहां इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव। ये है क्या, जिस वाक्य के अंतर्गत दी गई क्रिया का प्रभाव केवल उसके कर्ता पर पड़ता है, अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु पर उसके कार्य का प्रभाव नहीं पड़ता है, वह कहलाती इंट्रांजिटिव अकर्म। जैसे हमने यहां लिख दिया, He goes to school. वह विद्यालय जाता है। He goes to school, वह विद्यालय जाता है। इस वाक्य के अंतर्गत गोज जो क्रिया आई हुई है, इसका कार्य का प्रभाव केवल ही पर पड़ता है, अन्य किसी पर नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम यहां यह लिखते हैं, वहीं दूसरी तरफ देखिए, राम रीड्स इन द मॉर्निंग, राम सवेरे पढ़ता है, ठीक। अब पता कैसे आप करेंगे कि इंट्रांजिटिव है कि ट्रांजिटिव है, तो आप प्रश्न कीजिए मुख्य क्रिया में, अगर उत्तर मिलता है तो ट्रांजिटिव, नहीं मिलता है तो इंट्रांजिटिव। प्रश्न क्या करेंगे, क्रिया में प्रश्न कीजिए, हूं मतलब किसको या किसे, फिर प्रश्न कीजिए व्हाट यानी क्या से। जैसे हमने यह प्रश्न किया, ही गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है, वह क्या जाता है, किसको जाता है, दोनों क्वेश्चन गलत है। यानी गोज ऐसी क्रिया है जो परमानेंट इंट्रांजिटिव है, गो है कम है, ये परमानेंट या कभी ट्रांजिटिव नहीं होती। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो प्रयोग के अनुसार ट्रांजिटिव भी हो सकती है इंट्रांजिटिव, जैसे रीड। यहां हमने लिखा राम रीड्स इन द मॉर्निंग, राम सवेरे पढ़ता है। अब प्रश्न कीजिए क्या पढ़ता है, कोई उत्तर इस वाक्य में नहीं है, यानी इस वाक्य में रीड क्रिया इंट्रांजिटिव है। लेकिन अगर उसी को हम बढ़ाना चाहें तो कह देंगे ही रीड्स, राम रीड्स इंग्लिश इन द मॉर्निंग, राम सवेरे अंग्रेजी पढ़ता है। अब इस वाक्य में देखिए रीड क्रिया, रीड्स क्रिया ट्रांजिटिव होगी, यानी प्रयोग के अनुसार कुछ क्रियाएं किसी वाक्य में ट्रांजिटिव होती हैं, किसी में इंट्रांजिटिव होती हैं। जैसे आपने कहा वह सवेरे पढ़ता है, इसमें रीड्स क्रिया जो है इंट्रांजिटिव, लेकिन वह सवेरे अंग्रेजी पढ़ता है, इसमें रीड्स क्रिया ट्रांजिटिव है, सकर्मक है, क्योंकि पढ़ने का प्रभाव अंग्रेजी पर भी पड़ता है, ठीक। अब हम यहां बात ट्रांजिटिव वर्क की करना, सकर्मक क्रिया, यानी यह तो आपने समझ लिया कि आप क्रिया में प्रश्न कीजिए किसको, किसे और क्या से, अगर उत्तर मिलता है तो क्रिया ट्रांजिटिव है, और जो शब्द उत्तर में आएगा वही ऑब्जेक्ट होगा, वही कर्म होगा। जैसे सीता बाट ए पेन, सीता ने कलम खरीदा, प्रश्न कर लीजिए
सीता ने क्या खरीदा तो उत्तर मिला एक पेन। ये पेन हो गया ऑब्जेक्ट। यानी ये बाट क्रिया ऐसी है कि इसके कार्य का प्रभाव सीता पर भी पड़ता और एक और वस्तु पर पड़ता है एक पेन। ये जिसके कर्ता के अलावा जिस वस्तु पर इसका प्रभाव पड़ रहा वही है ऑब्जेक्ट, ठीक। और इसलिए इस क्रिया को कहेंगे ट्रांजिटिव सकर्मक है। He told a ghost story। उसने एक अच्छी कहानी सुनाई। इसमें आपने क्या सुनाई? ए गुड स्टोरी, एक अच्छी कहानी। इसमें क्या के उत्तर में आया ए गुड स्टोरी, ये इसका ऑब्जेक्ट है। यानी आप मुख्य क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न कीजिए, उत्तर में अगर शब्द मिलता है या शब्द समूह मिलता है वही ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट एक शब्द का भी हो सकता है, कई शब्दों का समूह हो सकता है। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि नाउन हो सकता है, ठीक, कोई प्रोनाउन हो सकता है अथवा नाउन फ्रेज हो सकता है, यानी कई शब्दों का समूह हो सकता है, इन्फिनिटिव हो सकता है, जीरण हो सकता है। वो प्रयोग के अनुसार है, कैसे हम प्रयोग कर रहे हैं उसके अनुसार आगे हम देखेंगे। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसे दोनों ऑब्जेक्ट लगे होते हैं, जैसे राम मोहन गेव मी ए पेन, मोहन ने मुझको कलम दिया। मोहन ने किसको कलम दिया? हूं किसको, यानी मुझे, यह कहलाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मोहन ने मुझको कलम दिया, मोहन गेव मी ए पेन, किसको यानी हूं लगाकर प्रश्न करेंगे और उत्तर में जो शब्द मिलेगा वह होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देख रहे हैं लिखा हुआ ऑब्जेक्ट दो तरह के, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। और क्या लगाकर प्रश्न करेंगे? मोहन ने क्या दिया ए पेन, क्या के उत्तर में आएगा वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक, क्लियर। यानी मुख्य क्रिया में किसको या किसे, यानी हुम लगाकर प्रश्न कीजिए, उत्तर में जो शब्द या शब्द समूह मिलेगा उसको आप कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यह मान के चलिए कि 99% प्राय लिविंग बीइंग यानी जीवित प्राणी होता है। क्या के उत्तर में जो चीजें मिलती है वो 99% नॉन लिविंग यानी निर्जीव वस्तु में होती है, 1% छोड़ के। अब यह है, अब यहां देखिए, आई सेंट हिम ए लेटर। इस वाक्य में पता करना है कि ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव, तो प्रश्न कर लीजिए। मैंने भेजा, किसको भेजा? उत्तर मिल गया हिम, उसको भेजा। क्या भेजा? एक पत्र भेजा। यानी इसमें भी दो ऑब्जेक्ट हैं, किसको के उत्तर में हिम आया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या के उत्तर में ए लेटर आया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सी बॉट ए बुक, उसने पुस्तक खरीदा, फॉर हर सिस्टर अपनी बहन के लिए खरीदा। तो अब क्या हुआ? क्या खरीदा? ए बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसके लिए खरीदा? फॉर हर सिस्टर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहां आपके सामने एक समस्या आ गई। समस्या यह आ गई कि यहां आप देख रहे हैं जो मैंने वाक्य लिखा इसमें और इसमें इनडायरेक्ट को आगे कर दिया था, यहां भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे। तो आपके दिमाग में हो रहा है कि नियम क्या है, पहले इनडायरेक्ट रखा जाए कि डायरेक्ट रखा जाए। देखिए हार्ड फास्ट पुल नहीं, कुछ नहीं है अंग्रेजी में, प्रायः इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखा जाता है और डायरेक्ट को पीछे रखा जाता। और प्रायः इसलिए रखा जाता है कि टू फार से बचने के लिए। टू फार से बचने के लिए का मतलब यह हुआ कि अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखते हैं, जैसे मी पहले है ये पेन बाद, तो आपको प्री पोजिशन टू फार नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने क्रम बदल लिया, पहले डायरेक्ट को रखा और इनडायरेक्ट को बाद में रखा, तो आपको टू और फार लगाना पड़ेगा। जैसे ये वाक्य है मोहन गेव मी ए पेन, हम इसको बदल के लिख सकते हैं मोहन गेव ए पेन, डायरेक्ट आगे कर दिया और तब आगे लिखना पड़ा टू मी, यानी मी के आगे आपको टू लगाना पड़ेगा। यानी अगर वाक्य में
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रहेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखेंगे आप, तो आपको टू और फार लगाना, क्लियर। अब समस्या आपके यहाँ आई कि किन क्रियाओं के पहले, यानी कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं कि जब आएंगे और उनके बाद पहले डायरेक्ट होगा बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, कहां टू लगाएंगे कहां फार लगाएंगे। यहाँ आपके सामने सुविधा के लिए हमने लिस्ट डाल दी। पहले तो यह देखिए कि दो ऑब्जेक्ट रखने वाली क्रियाएं हैं कौन कौन। ये ऐसी प्राय ऐसी क्रियाएं जिनके साथ दो ऑब्जेक्ट आते हैं, डू है, डू का मतलब जानते हैं, करना बुक, कुक भोजन पकाना, मेक शो प्रदर्शित करना, पुट रखना, बोल्ड सारी यहां बाई, खरीदना बी वाई बाई, सेल बेचना, रीड पढ़ना, राइट गिव टेक, गेट फाइंड पान, ब्रिंग ले आना, कीप टेल विश विश, इच्छा जाहिर करना, से बचाना पे, अदा करना, लैंड उधार देना, हैंड सौंप देना, पास गुजारना, थ्रो फेंकना, ऑफर प्रस्तुत करना, सेंड भेजना, आर्डर आदेश देना, फैच ले आना, प्रामिज वादा करना, चू चूना, रिजर्व सुरक्षित रखना, आदि ऐसी क्रियाएं हैं इनके साथ दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हर समय आएंगे, लेकिन आप लगा सकते हैं। अब यह है कि समस्या वहां आई कि किन के साथ अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले है, इनडायरेक्ट बाद में आया है, तो कहां आप टू लगाएंगे कहां पर। यह लिस्ट हमने दे दिया है कि ये ऐसी क्रियाएं हैं कुछ जिनके बाद अगर डायरेक्ट पहले रखते हैं, इनडायरेक्ट बाद में रखते हैं, तो आपको टू लगाना पड़ेगा। जैसे टेक, टेक का मतलब देना, ब्रिंग ले आना, गिव देना, सेंड भेजना, लेट उधार देना, प्रामिज वादा करना, पे अदा, ऑफर प्रस्तुत करना देना, हैंड सौंप देना, और पास गुजारना, थ्रो फेंक देना, टेल कहना, शो प्रदर्शित करना, सिंग गाना, ठीक। अब इनके उदाहरण जरा देख लीजिए। उदाहरण यह हुआ कि जैसे अभी हमने यहां लिखा, आई सेंट हिम ए लेटर, देख रहे हैं सेंट इस लिस्ट में आया हुआ है, तो आई सेंट हिम ए लेटर, अगर हम उसको उलटते हैं तो ऐसे लिखेंगे, आई सेंट ए लेटर टू हिम, पीछे जाएगा तो टू हिम, आई सेंट ए लेटर टू हिम। अब जरा देखिए यहां भी यह हुआ है कि मोहन गेव मी ए पेन, हमने यहां लिख दिया मोहन गेव ए पेन हो गया, पीछे चला गया टू मी। अब यह कि कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जिनके बाद पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, तो आप फार लगाएंगे, उसमें एफेक्ट प्राप्त करना, फाइंड पाना, कीप रखना, रिजर्व सुरक्षित रखना, बुक बुक करना, मेक बनाना, चू चुना, डू ब्रिंग, नेट बुनना, बाइक खरीदना, आर्डर आदेश देना, फेच लीव और सेव। ये ऐसी क्रियाएं हैं कि जब ये आएंगी तो इनके बाद आप अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखे हुए हैं तो आपको फार लगाना पड़ेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले। जैसे मैं यहां आपको एक उदाहरण लिख दे रहा हूं, सी बाट, उसने खरीदा, ठीक। मी मुझको खरीदा, ए वॉच एक घड़ी खरीदा, ठीक। सी बाट मी ए वॉच, उसने मुझे एक घड़ी खरीदा। अब इसको उलटना तो सी बाट ए वॉच फॉर, इसी तरह से यानी ये जो दी गई है क्रिया, इनमें से कोई भी आएगा तो इसमें अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप पहले रखते हैं, इनडायरेक्ट बाद में रखते हैं, तो फार लगाएंगे, और बाकी जो बच जाते हैं यहां देख रहे हैं ये आते हैं तो उसके पहले टू लगाएं। अब इससे थोड़ी सी बात एक और रह गई आपके, वो बात यह कि कुछ ऐसे भी पोजिशन है कि जहां ऑब्जेक्ट के बाद नेम्ड
इज डॉग, उसने नाम रखा, किसका नाम रखा, किसे, इज डॉग अपने कुत्ते का, या तो आप देख रहे। अब इसके बाद उसने अपने कुत्ते को कहा या नाम रखा क्या, टाइगर। अब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। पूरा यानी कुछ ऐसी क्रियाएं आती हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट तो आता है लेकिन वो ऑब्जेक्ट अर्थ पूरा नहीं कर पाता जब तक कि आप कोई पूरक नहीं लिखते हैं। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या है इसके अगले वीडियो में हम डिटेल से समझाएंगे। फिर डाला भी अभी समझिए। अब जैसे मान लीजिए ही फाउंड, वो पा गया राम, उसने राम को पाया। अब राम कोई गायब थोड़ी था कि उसको पा गया। अरे भाई फाउंड, आई ही फाउंड राम। अब आपके दिमाग में कीड़ा कुरबुला रहा होगा कि अर्थ तो पूरा नहीं है, ऑब्जेक्ट आने के बाद भी अर्थ हुआ। चोर, आप इसको हटा के ऐसे भी देख सकते, टू बी ए थी चोर हुआ, ए नाटी हुआ, एक शरारती लड़का। तो जो शब्द इसके आगे आप ये लिख रहे हैं ना, यही कॉम्प्लीमेंट है। यानी कुछ ऐसे भी वाक्य आएंगे जिसमें ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक बताया, कॉम्प्लीमेंट हम आगे आपको डिटेल में समझाएंगे। आप थोड़ा सा और चीजें देख लीजिए। कोई आवश्यक नहीं कि हर समय नाउन प्रोनाउन ही आपको ऑब्जेक्ट के स्थान पर आए, ऑब्जेक्ट के स्थान पर हिरंड हो सकता है। आई लाइक, टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूं। टू प्ले क्या है, इन्फिनिटिव, इसका मतलब ऑब्जेक्ट के स्थान पर इन्फिनिटिव आ सकता है। आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स, मैं उपन्यास पढ़ना पसंद करता हूं। रीडिंग इसमें क्या है, पढ़ना, ये जो है आया हुआ है ऑब्जेक्ट के स्थान पर, इसको कहेंगे जीरण, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आई एनजी लगाकर नकाम लेंगे अगर आप ऑब्जेक्ट का या सब्जेक्ट का, और उसके अंत में ना नहीं, नहीं जुड़ जाता तो वह कहलाता है जीरण। यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पर इन्फिनिटिव भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर जीरण भी आ सकता है। ओके, अब अगले वीडियो में हम आपको कॉम्प्लीमेंट क्या है वो डिटेल में समझाने जाएंगे। अब एक रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर आपको अच्छा लगता है मेरा समझाना, तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को मेरे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अच्छा पसंद पड़ता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए।